हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल, रिव्यू वाला पे वेलकम। दोस्तों फाइनली ओ माय गॉड टू मूवी सेंसर बोर्ड से विद ए ग्रेड पास हो चुकी है। दोस्तों ए ग्रेड का मतलब होता है एक तो एडल्ट और दूसरा मेच्योरिटी लेवल। दोस्तों यहाँ पर इसे कंसीडर किया गया है एज ए मेच्योरिटी लेवल। दोस्तों यह मूवी ओ माई गॉड टू अक्षय कुमार की जो मूवी है, ये जब से इसका टीजर रिलीज हुआ तभी से ये ट्रोल होने लगी। दोस्तों इसका पहला सीन ही ट्रोल हो गया जब वो अक्षय कुमार ना अपने उसे गंगा जी से नहा के निकलते हैं। और दोस्तों अक्षय कुमार का समय भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से इनकी सूर्यवंशी मूवी आई वो तो हिट मूवी थी, उसके बाद से इन्होंने विमल का प्रचार क्या किया भाई साहब, की किस्मत ऐसी खराब हुई कि अब पूछो मत। लगातार हिट फिल्म फ्लॉप फिल्म का एक रिकॉर्ड बना दिया। 2022 सबसे बकवास साल था इनके लिए और 2023 भी काफ़ी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर दोस्तों ओ माई गॉड टू की बात करें तो यह एक हिट फिल्म हो सकती है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने भी इसे ए ग्रेड से पास किया है और इसमें अभी तक बदलाव किए गए हैं। लगभग 27 सीन कट कर दिए गए हैं, जिसमें वो शिव शंकर के रोल में दिखाई देने वाले थे तो उसे भी काट दिया गया है कि नहीं ये फिर से आपको दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों लेकिन मान लीजिए सारी मूवी तो सही साट है, लेकिन इन्होंने इसकी रिलीज डेट भी उतनी अच्छी नहीं चॉइस की है। इन्होंने इसको रिलीज करने की सोची है 11 अगस्त को दोस्तों, जबकि 10 अगस्त को वहीं पर जेलर मूवी रजनीकांत सर की रिलीज हो रही है। तो दोस्तों एक छोटा सा बड़ा क्लैश दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्लैश का ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो रजनीकांत सर की जेलर फिल्म है वो एक साउथ इंडस्ट्री की है, तो वो साउथ में उसका दबदबा रहेगा। वहीं नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ज़्यादा उनका दबदबा रहने नहीं वाला, और यहाँ पर एक सफ़ेद झंडी दिखाई दे रही है। दोस्तों अक्षय कुमार के लिए एक ये काफ़ी टफ टास्क होगा कि इमोशनल अब थोड़ा सा लोगों के बीच कनेक्ट कर पाए, वरना ये फ्लॉप हुई तो भाई साहब का करियर लगभग खत्म है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।